पिछले क्लास में ए मात्रा के बारे में जान चुके हैं ना, तो बच्चों आज के क्लास में आई की मात्रा के बारे में जान लेंगे। जैसे कि देखिए आई का सिंबल कैसे आता है, ए ऊपर दो रेखाएं दो मात्राएं आते हैं। किसी भी अक्षर के साथ आई की मात्रा लगाए जाने पर उसका उच्चारण आई ध्वनि के साथ होता है। When the symbol I is added to any letter, the letter is pronounced with the I sound. देखिए बच्चों, I की मात्रा किसी भी अक्षर के साथ लगाए जाने पर क्या होता है? उसका उच्चारण I उच्चारण जाता है। जैसे कि थैला, तो के ऊपर I की मात्रा लगाने पर थैला हुआ। वैसे कि ऐरावत, A के ऊपर I की मात्रा ऐरावत हुआ। फाइल, तो के ऊपर आई की मात्रा लगाए जाने पर परे होता है। जैसे कि पढ़िए और समझिए, रीड एंड अंडरस्टैंड में फर्स्ट से लेकर शब्द आई की मात्रा लगाए कर शब्द कैसे लिखते हैं, अक्षर कैसे लिखते हैं, ऑलरेडी पेज नंबर 51-52 में दिए गए हैं। बच्चों पढ़िए और समझिए, रीड एंड अंडरस्टैंड। अभी शब्द दिए, अक्षर दिए, अक्षर कैसे लिखते हैं आई की मात्रा लगाकर। नेक्स्ट क्या दिए, शब्द कैसे लिखते हैं, शब्द रचना कैसे करते हैं। जैसे कि सैल, मैं, तैला, पैसा, तैल, भाई, भैया, वैसा, पै, पैसा, पैदा, जैसा, भाई, भाई, बेटा, मैया, मई, गई, मैदा, नैया। देखिए बच्चों, आप सभी को क्या करना है, ये पढ़कर प्रैक्टिस करना है और घर में बैठकर शब्द रचना और नए नए शब्द रचना कीजिए आई की मात्रा लगाकर। नेक्स्ट लेट्स रीड द सेंटेंस, आइए वाक्य पढ़े। आई की मात्रा लगाकर सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए बच्चों। वैभव और नैना, वही वैभव पर आई की मात्रा है, वैभव और नैना घर पर खेल रहे थे। वैभव बोला, नैना जब मैं पानी ले आओ, पानी यानी वाटर ले आओ, दो एक लड़का एक लड़की थे, एक लड़के का नाम था वैभव, लड़की का नाम था नैना, दोनों क्या कर रहे थे, घर में खेल रहे थे। वैभव ने बोला नैना, नैना को बोलते हैं जग में पानी लेके आओ, पानी रहते हैं ना जग, उसमें पानी लेके आओ। नैना पानी ले आई, नैना ने क्या किया, पानी लेकर आई। वैभव ने पानी से घर साफ किया, घर साफ किया यानी मनी क्लीन मार गया वैभव, नीर निंदा। जब जगह पानी फैल गया, सब जगह पानी फैल गया, एल्ला बड़े नीर नीर आयकर। माँ ने देखा तो बोली, माँ यानी मम्मी ने देखा तो बोली कि फिसल कर गिर जाओगे, अंदर जा रही विद बिटती रही। वैभव ने कहा नहीं माँ, हम घर साफ कर रहे हैं। वह वैभव इंदा इला मान मनी क्लीन ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಮನಿ ಒಳಗ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೈನಾ ಕಪಡಾ ಲೇ ಆಯಿ, ನೈನಾ ನೆ ಕ್ಯಾ ಲೇ ಆಯಿ, ಕಪಡಾ, ಕಪಡಾ ಯಾನಿ ಬಟ್ಟೆ ಲೇಕರ್ ಆಯಿ ತಗೋ ಬಂದು. ಉಸ್ನೆ ಪಾನಿ ಸಾಫ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ಅನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದ್ದು. ವೈಭವ ನೆ ತಾಲಿ ಬಜಾಯಿ, ತಾಲಿ ಬಜಾಯಿ ಯಾನಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಕಿಯಾ. ನೈನಾ ಬೋಲಿ देखो माँ घर कितना साफ हो गया. तब नैना बोलती है देखो माँ घर, हमारा घर कितना साफ हो गया, वैभव ने पानी डाला, मैंने कपड़े से सभी साफ किया. माँ बोली शाबाश, हमेशा घर साफ रखो, शाबाश हमेशा कभी भी घर साफ रखो. तो बच्चों समझ में आया ना, समझ में नहीं आया तो और एक बार वीडियो आप देख लीजिए मैं अभी, और इसके एक्सरसाइज भी भेजूंगी, उसे क्लास वर्क में शब्दार्थ और अभ्यास दोनों भी लिखना है, घर में बैठ के पढ़ाई करना है. ओके बच्चों, थैंक यू.